शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो दादा अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? सर भारी हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है। क्या हुआ था मेरे साथ? ये तुम ही बता सकती हो चिवो। ऐसी विक्षिप्तता क्यों? क्यों पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी तुम? विक्षिप्तता मैं? इसका अर्थ ये है कि तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है। चो तेरे बोलो दादा, मेरा सर फटा जा रहा है। चिवू मुझे अभी के अभी बताओ क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ। कब क्या किया था दादा? अरे इससे पहले पहले उससे पहले तो ऐसे बोलो ना। उससे पहले हाँ, उससे पहले मैं केशव के कमरे में गई थी। हाँ आगे। हाँ हाँ हाँ, मैं उसके कमरे में जासूसी करने गई थी। वहाँ हाँ वहाँ पे वो भजिए रखे हुए थे और मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिए। बदबूदार पानी? हे भगवान, इस बात का ही डर था मुझे। में शराब है रुक्मिणी, शराब। तुम्हें पता था ना? पता था तो बताया क्यों नहीं? अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने दिल को कैसा बनाना चाहते हो। और ये बात सिर्फ गुस्सा करने वालों पर लागू नहीं होती। ये आग प्रतिनिधित्व करती है हर बुरी इच्छा का, हर बुरी भावना का, जो कि इंसान के दिल को कठोर बना देती है, संवेदनहीन बना देती है। फिर चाहे वो नफरत हो, ईर्ष्या हो, या खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की प्रतिस्पर्धा, ओ जीवन।
नजर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तो श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। शुक्रिया साईं मेरी आंखें खोलने के लिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आया। साईं आपने सच कहा था, मैं यहाँ से धनवान बनकर जाऊंगा, मैं धनी हो गया साईं, आपकी दी हुई सीख अनमोल है, अनमोल। राम जी भला करे। केशव कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। केशव, निर्लज्ज, शराब पी रखी है तुमने? इतना दुस्साहस, शराब पी के वाड़े में चला आया तू? दारू की भट्टी से शराब पी के आया है ये, समझ रही है ना इसका परिणाम क्या हुआ होगा? वहां कितने लोगों ने उसे देखा होगा शराब पीते हुए,
अब तक सब लोगों को पता चल चुका होगा कि कुलकर्णी सरकार का बेटा शराबी है, शराबी। यहाँ कुलकर्णी सरकार ने अपने बेटे के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना कर रखी है, उसे बैरिस्टर बनाना चाहते हैं। तू खोनार नहीं है, तू शराबी है, शराबी। बातों को समझ रही है तू? गलती हो गई है केशव से, उसे सजा देनी है तो उससे पहले उसे समझाइए, उससे बात तो कीजिए। हाँ, मैं बात करूंगा इससे, इसे समझाऊंगा मैं। जाओ। क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर कुलकर्णी, आज हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से आप मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बच्चा नहीं हूं मैं। आज तक किसी ने मुझसे इतनी ऊंची स्वर में बात नहीं की, और तुम मुझे आंखें दिखा रहा है, अंग्रेजी झाड़ रहा है मुझ पर, चेतावनी दे रहा है मुझे। आपको आपकी दुनिया मुबारक, मैं चला यहां से। खबरदार, जो उसे रोकने की कोशिश की, ऐसे अधर्मी कपूत के लिए ना ही मेरे घर में जगह है, ना ही हृदय में। ये केशव ही है ना? हाँ, लेकिन लेकिन इसे हुआ क्या है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने खूब पीटा है इसे। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। आउट, आउट! क्या Thank you.
बहुत सुंदर दिख रहे हो केशव। सुंदर? कोई भी मुझे देखकर कह सकता है कि मुझे पीटा गया है। अब आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हो रही, या फिर आपकी सहानुभूति केवल आपके भक्तों के लिए है, केवल उनके लिए ही आकर्षित होती है जो आपसे सहमत होते हैं। ए लड़के, जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो। तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे है, लेकिन हिंसा, विद्रोह, विरोध ये कभी उत्तर नहीं हो सकते। तुम्हारी चोट में मुझे तुम्हारे पिता की चिंता दिख रही है। सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया है उन्होंने तुम्हें, और अगर इससे तुम सही मार्ग पर आ गए तो ये उनके दिए उपहारों में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान होगा। सबसे मूल्यवान? बाप, सही में कुलकर्णी सरकार आपको पाखंडी कहते हैं। पाखंडी पूरी शिरडी जानती है कि आपका और कुलकर्णी सरकार का 36 का आंकड़ा है, और अब वही कुलकर्णी सरकार मुझे मारने के बाद वो एक अच्छे पिता बन गए। जब मैं छोटा था तब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाया करता था, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं। मुझमें अक्ल आ गई है, परखने का ज्ञान आ गया है, और मैं जान गया हूं कि आपके हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या राज है, और ये भी जान गया हूं कि आपकी चिंता केवल व्यर्थ की है, केवल ठकोसला, और आपके शब्द उतने ही खोखले और अर्थहीन है। तुरंत द्वारका माई ले जाना होगा। मैं ले चलता हूं साईं। राणू जी, भाई साहब, ये आपके बस का काम नहीं है, पहलवानों का काम है। देखिए और सीखिए कि साईं की इच्छा कैसे पूरी की जाती है। मैं मदद करता हूं। रहने दो। साई, केशव को क्या हुआ? केशव, क्या हुआ तुम्हें? केशव, केशव, क्या तकलीफ है बताओ मुझे।
केशव, केशव मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? केशव साईं, केशव ठीक तो हो जाएगा ना? पेट में बहुत जलन है। केशव अब अच्छा लग रहा है ना?